आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मसालेदार आलू मटर की बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ आइडियल किचन में। मसालेदार सब्जी बनाने के लिए मैं जो इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ वो है एक बॉल फ्रेश हरी मटर, चार मीडियम साइज के आलू जिसे मैंने थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ एक प्याज, एक गाजर, दो हरी मिर्च और एक रेड वाली कैप्सिकम। इन सबको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अगर आपके पास रेड वाली कैप्सिकम नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी कैप्सिकम अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं गैस की तरफ और एक कढ़ाई लेंगे, फिर इसे हीट होने देंगे। अब इसमें जाएगी 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल और तेल को हम थोड़ा हीट होने देंगे। अब इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच जीरा और जीरा जैसे ही चटकने लगेगी इसमें जाएंगी कटी हुई हरी मिर्च और प्याज, फिर इसे थोड़ा सा सॉटे करेंगे। और ये देखिए हमारे प्याज हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें जाएंगी कटी हुई शिमला मिर्च, गाजर और आलू, फिर इन सबको थोड़ा भून लेंगे लगभग 5 मिनट तक। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मटर और इसे भी थोड़ा भून लेते हैं। सारी सब्जियों को थोड़ा भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच लहसुन, अदरक और काली मिर्च का पेस्ट और इसे भी 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर रफली चॉप किया हुआ और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सबको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जाएगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फिर इन सबको थोड़ा चला लेते हैं। अब इसमें जाएगी 1 चम्मच धनिया पाउडर और अब इन सबको बहुत अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि हमारे मसाले और सब्जी में से तेल ना छोड़ दें। और ये देखिए थोड़ी देर बाद ही हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब मैं इसे 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे ढककर पकने देती हूँ। और अब मैं अपने सब्जी को चेक कर लेती हूँ और ये देखिए आलू कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच दही और इसे भी थोड़ा भूनेंगे। इन सबको थोड़ा भूनने के बाद अब इसमें जाएगी 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा फ्रेश कटी हुई हरी धनिया के पत्ते, फिर इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 1/2 कप पानी और इसे बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे। फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा कसूरी मेथी और इसे थोड़ा सा मिला देंगे। फिर इसे ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट बाद मैं अपने सब्जी को चेक कर लेती हूँ और ये देखिए हमारी आलू मटर की सब्जी एकदम लाजवाब लग रही है ना। आलू मटर की सब्जी तो हम सभी लोग बनाते ही हैं, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाया है क्योंकि इसमें मैंने गाजर और दही ऐड किया है, इसलिए ये थोड़ी खट्टी और थोड़ी मीठी और थोड़ी स्पाइसी भी है। तो इस सब्जी को मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इस सब्जी को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैसे कि दाल चावल के साथ या फिर रोटी पूरी के साथ। ये आलू मटर की सूखी सब्जी किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इसे ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।